स्टूडेंट्स, इसमें हम एक सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक क्यों देखें। ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बैंक में, एसएससी में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे दिया है कि यहाँ पर आपका बेस दिख रहा है आपको कॉमन है, तो मैंने बताया है होगा कि एक्स अगर टू द पावर ए है इंटू एक्स टू द पावर बी है, तो ये जब ये कॉमन रहते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स ए प्लस बी हो जाता है। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस जो है 243 टू द पावर 0.16 इंटू 243 टू द पावर 0.04, ये कॉमन है तो हम क्या करेंगे, 243 लिख लेंगे 0.16 प्लस 0.04, इसे ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 243, इसे करेंगे तो 0.20 आएगी। इस डेसिमल को हटाएंगे तो 100 यहाँ हो जाएगा, तो 25 आ जाएगा, तो 243 क्या आ जाएगा, 1/5। ठीक, अब 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 243 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 टू द पावर 5 और 1/5। हमें पता कि जब हम इसे हम बाहर करेंगे तो 5 × 1/5 आएगा, ये कट जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा।